Hello and welcome guys, I am Manish Dhankar and you are watching my study dost. So, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे. So guys, आज हम लास्ट और फाइनल करने वाले हैं एल्जेब्रा का. ये फाइनल वीडियो है, ये है पार्ट 16. तो अगर आप पार्ट 16 डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आपको 15 पार्ट तक कंप्लीट देखना आवश्यक है. तो आपको एल्जेब्रा अगर कंप्लीट करना है तो पहले वो 15 वीडियो कंप्लीट करके आएँ, उसके बाद देखें. और आपने अगर देख लिया है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉगरिथम के बारे में कि क्या ये सब होता है. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं, हो सकता है कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल जाता है इस टॉपिक से, तो यहाँ पर हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो हम कोई टॉपिक यहाँ पर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बाइनल थ्योरम के. हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. बाइनल थ्योरम हमने पहले पढ़ लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख के आइए. उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं लॉगरिथम में भी. तो देखिए, बाइनल थ्योरम प्रत्येक प्रकार के प्रमेय घात इनके रिलेशन इंडेक्स के लिए हमें इस प्रकार के एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, इससे हम यहाँ पे लॉगरिथम को सोल्व कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास हो कि 1 + x की पावर n, तो इसे आप कैसे खोलेंगे? सेम उसी तरीके से आपको खोलना है जैसे आपको बाइनल थ्योरम को हम वहाँ पर खोलते थे. वहाँ पर होता था कि एक्स और प्लस वाई की पावर एन थी, उसे आप कैसे खोलते थे, जैसे सेम इसी प्रकार से इसे खोलना है. बस यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक वैल्यू f1 हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे एक x हो जाता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे इसको करेंगे? तो यहाँ पे उसके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप चाहें तो उस तरीके से खोल के यहाँ पे सोल्व करेंगे तो फाइनल आपके पास यही रिजल्ट आपके पास आ जाने वाला है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा? 1 + nx n (n-1)/2, फैक्टोरियल 2 है यहाँ पे, फैक्टोरियल x² + n(n-1)/2, √3x³. इसी प्रकार से आगे भी आप बढ़ते रहेंगे तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो बाइनल थ्योरम से ही निकल के आता है. तो ये हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम को सोल्व करने के लिए. उसके बाद यहाँ पे है e की पावर x. तो e की पावर x का यहाँ पे मान क्या होता है? 1 + x/√(x)1, x² / √2x³/√3. अगर आपको e की पावर x लिखी हुई मिल जाए तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो हम उसे लिख सकते हैं e की पावर x. इस फॉर्मूले का भी हम यहाँ पर आगे यूज़ करेंगे. उसके बाद अगर आपको e की पावर -x निकालना हो तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करते जाना. जैसे यहाँ फर्स्ट माइनस से स्टार्ट कर लिया तो फिर प्लस फिर माइनस, बस सेम वैसे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे कि वैसे अगर आपको फॉर्मूला मिलता है तो हम इसे e की पावर -x लिख सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे ई का मान निकालना हो ओनली फॉर ई, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एक्स यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1/√(1 + 1/√2) / √3. इस प्रकार से अगर आप इसका मान निकालते हैं तो ये ई का मान हो जाता है. उसी प्रकार जैसे यहाँ पे e की पावर -1 का निकालेंगे तो बस सिर्फ साइन को एक एक साइन को उल्टा करते जाना है. यहाँ से माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार से इस सेम को फॉर्मूले में से इसको हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको. उसके बाद है आपके पास e की पावर x, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तो इसे आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद है कि e की पावर x को कैसे खोलना है? 1 + x log e की पावर a / √a, x log e की पावर a √2 + x log a³/√3. इसी प्रकार एक डैश डैश चलता रहे कि आगे तक जो भी, अब इतना ज़्यादा पद नहीं पूछ जाते, अगर चौथा पांचवा पद भी आ जाते तो आप इसी प्रकार से आगे सोल्व कर सकते हैं. उसके बाद देखें, log e³/(1+x) हो तो उसे कैसे लिखना है? x − x²/(2) + x³/(3 − x⁴/4). यहाँ पे एक लिमिट भी दिया गया है आपको कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए. अगर आपको log e^(1 − x) को सोल्व करना हो तो सेम इसी तरह से करना है, साइन चेंज कर लेना है, माइनस से स्टार्ट करना है, −x − x²/√2, क्योंकि यहाँ पे ये पहले से माइनस है तो ये प्लस नहीं होगा. उसके बाद इस प्लस वाले साइन को क्या कर देना है? माइनस कर देना है. ये पहले से माइनस है तो ये माइनस रहेगा, तो सारी वैल्यू आपके यहाँ पास माइनस में ही प्राप्त हो जाएगी. तो log e^(1 − x) यहाँ पर इस प्रकार से खोल सकते हैं आप. बस इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 2-4 फॉर्मूले हैं तो बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इससे ही सारे फॉर्मूले बन जाते हैं. इसके बाद आपको e^(x, e^-x) जिसका जस्ट उल्टा होता है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं. e^(e) का और e^(-1) का भी निकाल सकते हैं. e^(-1) यानी कि 1/e, जस्ट इसका उल्टा लिखते जाना है. उसके बाद e^(x) और log e और log 1 + x और 1 - x दोनों का लिख सकते हैं. बस इतना ही आपको ध्यान रखना है. उसके बाद देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे आप सभी लोगों को यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम का कि 1 + x + x²+x³, इसी प्रकार से डैश 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 अनंत तक अगर कोई मान हो तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, आपको ऑप्शन में मिलेगा वहाँ पे, तो ऑप्शनल यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ. देखिए वहाँ पे वाक्य बन रहा है 1 - x की पावर -1. देखिए आपको ये दे रखा है, आप चाहें तो इससे ये निकाल सकते हैं,
या फिर कुछ और तरीके से सोल्व करके आपको ये लाना है। तो सेम इसी तरीके से मैं सोल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1 - x^-1 निकालता हूँ। ये आप कहेंगे कैसे कैसे निकाल सकते हैं आप, तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, क्या अगर क्या हो, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि 1 - 1 + x^n हो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 + 1 - x^-1। तो बस सेम उसी तरीके से आपको सोल्व करने रहा, लेकिन बस सिर्फ साइन को पे चेंज कर देना। तो सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में है, -1 और -x, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। उसके बाद था n·n−1, यहाँ पे n की वैल्यू है -1 और n−1 यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ 2 भी वहाँ पे था, उसके बाद -x² यानी कि इसका स्क्वायर कर देना है आपको। यहाँ पे माइनस में है तो इसे माइनस में लेना, वहाँ प्लस था तो प्लस में ले लेते। उसके बाद n·n−1 n−2, तो यहाँ पे इस प्रकार से सोल्व करोगे आप, तो यहाँ पे -1 - 2 - 3 आ जाएगा, और फैक्टोरियल ऑफ 3 - x³। तो इसी प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी ये 1, फिर प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बच गया +x². उसी प्रकार फैक्टोरियल ऑफ 3 से यहाँ पे 3 × 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये -1 से और माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा x³। तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन गया कि 1 + x + x² + x³ ⋅ ⋅ अनंत। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ आपके पास यहाँ पे आ रही है, तो इस प्रकार से आप इसे क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका फोल्ड कैसे कर सकते हैं, 1 - x^-1 हम इसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1 / f(1 + 1 / f(3 + 1 / f)(5 ⋅ ⋅ अनंत से है, तो इसके पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से किसके बराबर है ये मान। तो देखिए हमने वहाँ पे, इसमें देखिए एक्स की कोई भी कंटेंट नहीं है, तो हमने ई और e⁻¹⁰ से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमने वहाँ पे पढ़ा था कि e⁻ẹx हो, तो उसमें एक्स आ रहा था यहाँ पे 1 की जगह, ठीक है, x² इस प्रकार से आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा कि यहाँ पे e का फॉर्मूला हमने इस प्रकार पढ़ा था कि 1 + 1/(1 - यानी कि प्लस, ठीक है, यहाँ पे e⁻¹⁰ में नहीं है, तो सारे 1 प्लस में होंगे, इसके मान यहाँ पे माइनस में एक छोड़ के एक होता जाएगा। उस प्रकार यहाँ पे आप इसे कैसे लिखेंगे, इसका मान लिख लीजिए आप सिर्फ e का, तो e का मान आपको पता है कि 1 + 1/(1 + 1/(2 - 1/(3) इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद e⁻¹⁰ का आप क्या लिखेंगे, 1 - 1/(1 + 1/(2 + 1/(3) इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस पर के मान लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, e·f(-1) कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो मान आ जाएगा। इसे सोल्व करके देख लेना आप यहाँ पे, लेकिन वहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये फैक्टोरियल ऑफ 1 से ये खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा, और जैसे आप सोल्व करके देख लेंगे तो उसके बाद आपके पास यही वैल्यू हो जाएगी, 2 आपसे कॉमन आ जाएगा, और जो ये क्वेश्चन में बन रहा है ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आप इसका मान क्या लिखेंगे, आपको इसका मान ही निकालना है, ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, e·e⁻¹⁰ है, इसके अपॉन में 2 आपको कर देना है। तो ये ऑप्शन में आपको देखना है कि e·e⁻¹⁰ / 2 आपको यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको लेवल से भी ज़्यादा के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी कि सर लेवल को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, तो ठीक है मैं अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन इतने क्वेश्चन इस लॉगरिथम से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो सोल्व करने में इन क्वेश्चन को टाइम लगता ही है। फिर भी मैं करवा देता हूँ, आपकी जैसी मर्जी हो, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है कि यदि GP का पहला पद और अंतिम पद क्रम से A और K हो, यदि उसे यदि पदों की संख्या n हो, तो सिद्ध कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे प्रूव करवा रहा है कि n = 1 + log(k − log(a)·log(r)। यहाँ पे आपको GP बता रहा है, ठीक है, गुणोत्तर यानी कि ज्योमेट्रिक मीन आपको यहाँ पे निकालना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, a आपका प्रथम पद दे रहा है यहाँ पे, और अंतिम पद आपका है k। उसी प्रकार आपको कहता है कि पदों की संख्या n है, तो यहाँ पे आपके पास ये आपको फॉर्मूला सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सार्वअनुपात है वो आर है, ठीक है, सार्वअनुपात हम आर ही मानते हैं। उसके बाद हमें क्या पता है कि GP है, तो GP का n वा पद क्या होता है, a·r·n−1, ये हमने वाले GP वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद k, क्योंकि k जो है वो अंतिम पद है, तो अंतिम पद इसका k है, तो यह हमारे हिसाब से अंतिम पद क्या होता है, a·r·n−1, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई। अब क्या कीजिए, आप log का यूज़ कीजिए,
इस फॉर्मूला को, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लॉग दिख रहा है, तो लॉग कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो आपको लॉग यहाँ पे खुद से लगाना पड़ेगा। तो लॉग लेंगे आप किस उनका, तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ की, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ ए आर एन माइनस वन। तो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए आर एन माइनस वन को आप अलग से लिख लीजिए, लॉग ऑफ ए लिख लीजिए प्लस में, क्योंकि देखिए गुणा में अगर कोई संख्या लॉग में होती है तो हम उसे प्लस में तोड़ते हैं, और अगर माइनस में होती है यानी कि भाग में होती है तो उसे माइनस से तोड़ते हैं। तो यहाँ पे गुणा में है तो इसे प्लस से तोड़ देंगे, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ आर एन माइनस वन इसे लिख सकते हैं। उसके बाद लॉग ऑफ के इक्वल टू, क्योंकि इसके बराबर तो चल ही रही है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए था लॉग ऑफ ए। उसके बाद देखिए इसको एन माइनस वन, जो भी चीज़ घात में होती है लॉग में वह चीज़ आगे आ जाती है, आपको ये पता होगी लॉग की प्रॉपर्टी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एन माइनस वन लॉग ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, लॉग एन माइनस वन लॉग ऑफ आर इसको आप इस साइड में ले आइए, और इसको लिख लीजिए लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए, यानी कि इसको इस साइड ले आइए बस, और इसको इस साइड रख लीजिए, वैसे लिख लिया मैंने इस साइड इसमें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद आपको पास क्या बच जाएगा, आप क्या कीजिए, लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ आर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एन माइनस वन इस साइड में बच जाएगा। तो आपके पास एन माइनस वन बच के आपको एन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एन इक्वल टू क्या आपके पास आ गया, वन प्लस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ आर। तो यही आपको आंसर में सोल्व करवाना था, कि देखिए एन इज इक्वल टू आपको निकालना था वन प्लस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ आर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इस पर क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो आपको सोल्व करने में दिक्कत होती होगी। उसके बाद भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि लॉग 12 है, बेस है यहाँ पे 12 है, उसके बाद है लॉग 27 इज इक्वल टू ए है, तो लॉग 6 और 16 किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि लॉग बेस 12 27 ए के बराबर है, तो लॉग बेस 6 16 किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे मैच करते हैं कि किस ऑप्शन से यहाँ पे होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए लॉग 6 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग 6 बेस 6 है लेकिन 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तब यहाँ पे पता है कि लॉग में जो भी चीज़ फॉर्म वैल्यू इस मतलब कि घात में होती है वो आगे जाती है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 log 6 बेस है यहाँ पे और 2। उसके बाद आप क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन log 2 6, क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ पे बेस को बदल देते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को उल्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेस को हमने बदला, बेस 2 ले लिया, तो यहाँ पे 6 ले लिया, तो यहाँ पे इसको बटे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे इसे आप लिख सकते हैं 4 अपॉन log 2 of 2, ठीक है, log 2 of 2, क्योंकि इसको 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, तो 2 into 3, इंटू को हमने लॉग में बताया था कि प्लस से तोड़ते हैं, तो यहाँ पे प्लस में तोड़ दीजिए, log 2 of 2 plus log 2 की पावर 3, तो इस प्रकार 2 में लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, log 2 of 2 का मान क्या हो जाता है, 1। उसके बाद log 2 of 2 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस भी 2 हो और इसका मान भी 2 हो तो इसका मान 1 हो जाता है। उसके बाद आप क्या हो जाएगा, log 2 3, ये आपके पास एक पॉइंट बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि लॉग ए ए का मान क्या दे रखा है आपको, लॉग बेस 12 27, तो आप इसको सोल्व कीजिए, आगे सोल्व करेंगे तो आप लॉग बेस 12 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। उसके बाद आप इसे घात में आगे आ जाएगी, तो 3 log 12 और 3, ठीक है, इस प्रकार बच गया। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन log 3 12, बेस को चेंज किया यानी कि इसको नीचे ले आए और इसे ऊपर ले आए। उसके बाद आप क्या लिखिए, 12 को आप इस प्रकार लिखिए 3 into 4, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, log 3 of 3, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई को लॉग में प्लस से तोड़ते हैं, तो log 3 of 3 plus log 3 of 4, log 3 of 3 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे इसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे 1 प्लस, क्योंकि देखिए log 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 of 2, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको 2 को आगे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 log base 3 of 2, ठीक है। उसके बाद आगे सोल्व कीजिए, तो आप क्या कीजिए, इसको आगे ले आइए, आपको मान किसका निकालना है, log 2 log 3 of 2, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस 2 ए, 2, देखिए log 3 of 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 a log 3 of 2 इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा, आप इसे इस साइड में ले आइए, मतलब बात यही है कि 3 के वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो उसके बाद इसे ए से मल्टीप्लाई करने पे ये ए हो जाएगा और 2 a log 3 of 2 इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे बचा लिए log 3 of 2 को, ठीक है, log 3 of 2 को आप बचा लीजिए इस साइड में। उसके बाद 3 के माइनस में इसे कर देंगे, तो ये इस साइड जाएगा -3 a, और ये 2a मल्टीप्लाई में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये आपके पास 3 - a/2a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, log 2 of 3, इसको क्या कीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे आपका मान क्या है, log 3 of 2 चाहिए अपने को, और यहाँ पे आपके पास क्या है, log 2 of 2,
थ्री, इसको उल्टा करने के बाद आपके पास में वैल्यू आ जाएगी लॉग टू ऑफ थ्री की, तो ये आ जाएगा 2a/3-1। अब आप सीधा क्या कीजिए, उस वैल्यू में 1 रख लीजिए, क्योंकि अपने पास लास्ट आ गया था कि 4/1 log 2 of 3, यहाँ तक अपने पास आ गया था log 2 of 3, a का मान हमने निकाल लिया 2a/3-a। ठीक है, उसके बाद 4 into 3 a-1, यानी कि इसे एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आएगा, उसके बाद ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा ये इससे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसे लिख सकते हैं 3-a+2a। उसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास इस प्रकार आ जाएगा 4 3-a/3+a। आप इसे यहाँ पे देखिए 2a और यहाँ पे माइनस है तो a हो जाएगा, a-a, तो इससे आपके क्या हो जाएगा 4 3a/3-a और 3+a, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। आपको मैच करना है फिर किस ऑप्शन में ये वैल्यू मिल रही है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है log 3a-3+a, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में ही, सॉरी 1 मिनट, 4, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 था, मैंने 2 देख लिया था। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यदि log 2 16x² + x - log 4x + 1 = 2 हो तो x बराबर होगा, किसके बराबर होगा x? देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2 log 4 of 2x² + x - log 4x + 1 = 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, log 4, इस 2 को आपने क्या किया, इस साइड में ले गए, तो आपके पास इनकी log 4 यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो हम इसे log में अगर कॉमन ले, log log ऑफ 4 को हम कॉमन ले तो ये माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, log में जब कॉमन लेते हैं तो इसके पास आप क्या लिख सकते हैं, x² + x/(x+1)। ठीक है, उसके बाद आपके पास log 4, इसको हम x² + x को लिख सकते हैं, x कॉमन लेने पे x into x + 1 और x + 1, तो x + 1 से x + 1 खत्म हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा log 4 x = 2, log 4 x = 2 आपके पास ये बच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, x की वैल्यू आपको निकालना है, तो जब log हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, घात में चला जाता है 4, तो ये क्या हो जाएगा log x = 2^4, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 16, तो 16 आपके पास इसमें आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन में 16 मिलेगा, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए लॉग पे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन लॉग से नहीं आते हैं, फिर भी मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो का फीडबैक देना कैसा आपको ये वीडियो लगा, प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है अलजेब्रा का वो ज़रूर से देख लीजिए। अलजेब्रा आज हमारा ख़त्म हो गया, और कमेंट करके ज़रूर से ये भी बताना कि आपको कौन सा चैप्टर अब पढ़ना है। हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एक दो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है हमारे पास, एक है ट्रिग्नोमेट्री है और एक है कैलकुलस, इन तीनों टॉपिक्स में से आपको कौन सा टॉपिक फर्स्ट से पहले पढ़ना है, तो वही टॉपिक हम नेक्स्ट में स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही।